आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स वेरी वेलकम टू माय चैनल और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पिछली बार जो मैंने बैंक्स के ऊपर पोस्ट किया था एक एक्सिस बैंक वर्सेस यू नो यस बैंक के बारे में, वो आपको काफ़ी पसंद आया और मुझे खुशी है कि आप लोग वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए हमारे एक व्यूअर ने पकड़ा था कि जो हमने बात की थी एक्सिस बैंक के फॉर्मर CEO चंदा कोचर की, वो बेसिकली चंदा कोचर मेरी मिस्टेक थी, वो चंदा कोचर एक्सिस बैंक की नहीं थी, वो ICICI बैंक की MD थी। तो ये अच्छी बात है कि आप बहुत ही गहराई से सुनते हैं वीडियोस को और जहाँ पर मेरी गलती होती है वहाँ पर आप लोग पिन पॉइंट करके मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे को बताते भी हैं। और यहाँ से देखिए हमारे अंदर एक सुधार की गुंजाइश आती है, हम कोशिश करते हैं आगे से कोशिश करें कि उन चीज़ों पर अलर्ट रहें और पूरे ध्यान से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज एक ऐसे बैंक के बारे में बात करने जा रहा है जो बहुत ही जिसके अंदर जो निवेश हो सकता है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है और इसीलिए मैंने जो टाइटल टैगलाइन दिया मोस्ट डेंजरस बैंक, सबसे खतरनाक निवेश इस बैंक के अंदर हो सकता है। और जिन लोगों का निवेश अभी है मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप लोग फिलहाल इस बैंक से निकल जाइए। आप बाकी तो देखिए आप अपनी भी एनालिसिस कीजिए क्योंकि ये हमारी केवल एक इन्फॉर्मेशन है इस बैंक के बारे में। रेस्ट जो भी डिसीज़न लेंगे आप, जो भी निर्णय लेंगे वो आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग होगी, इसीलिए आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद डीपली एनालाइज कीजिए बैंक को। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही जो भी आपका फाइनल डिसीजन होगा वो आपका अपना होगा। मॉनेटरी चैनल किसी भी तरह से आपके डिसीजंस के लिए लायबल नहीं होगा। तो कौन सा ये बैंक है क्योंकि जो कि मोस्ट डेंजरस बैंक की कैटेगरी में शामिल हो रहा है। सो गाइस ये बैंक है कोई और नहीं, इस बैंक का नाम एक्सिस बैंक है जिसके बारे में हमने पीछे वीडियो में बात की थी यस बैंक वर्सेज एक्सिस बैंक के बारे में और ये अभी अपने पीक प्राइस पे चल रहा है। देखिए सब चीज़ें आपने नोटिस की होंगी कि एक्सिस बैंक के अंदर ये स्टॉक 615-620 की रेंज में ट्रेड कर रहा था यस्टरडे तक, पूरा मार्केट धराशाही हो गया। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, हाउसिंग फाइनेंस, बैंकिंग्स, NBFCs सभी धराशाही होकर नीचे आ गए, लेकिन ये वहीं का वहीं खड़ा है। क्यों खड़ा है ये? क्या कोई वेट कर रहे हैं कि लोग इसमें निवेश करें ये देख के कि भाई सारे बैंक्स गिर गए केवल एक्सिस बैंक नहीं गिरा, चलो ये बैंक अच्छा लग रहा है चलो इसमें निवेश करते हैं इसमें पैसा बढ़ेगा? हो सकता है ये स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि लोग जब सब बैंक से फियर हो जाएंगे, जब डर जाएंगे NBFCs से डर जाएंगे तो वहाँ से पैसा निकाल के एक्सिस बैंक में लगाना शुरू कर देंगे। और शायद इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं ऑपरेटर्स कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी अदर बैंकिंग या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा निकालें और एक्सिस बैंक में निवेश करें और फिर वहां पर वो लोग हायर प्राइस पे आपको सेल आउट करके प्राइस को नीचे लेके आए। देखिए प्राइस आता है या नहीं आता है ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, बट क्या बैंक के फंडामेंटल्स अलाउ करते हैं, क्या बैंक के जो बेसिक फंडामेंटल थे क्या वो इतने स्ट्रांग हैं कि हमें 600 रुपये के रेट पर एक्सिस बैंक को बाय करना चाहिए बजाय 200 रुपये के रेट पे हमें यस बैंक मिल रहा है हम उसको इग्नोर कर दें? तो चलिए एक्सिस बैंक के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं और आप लोग पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा कि हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके निवेश की वजह से हम बात कर रहे हैं और आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करते हैं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो आपको कहीं पर नहीं मिले। देखिए एक्सिस बैंक का BSE कोड 532215, एक्सिस बैंक का NSE कोड एक्सिस बैंक, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर मतलब बैंक है ये, 599 रुपीज का समय ट्रेड कर रहा है, 18.30 रुपये नीचे यानी 2.96% डाउन हुआ है। यस्टरडे क्लोजिंग थी 617.45 और इसका जो 52 वीक हाई था वो 677.95 था, यानी कि ऑलमोस्ट अपने 62 वीक के हाई पर ही ट्रेड कर रहा है नियर बाई। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद जहाँ पर मार्केट ने बड़े बड़े दिग्गजों को शेयर धराशाही कर दिया वहाँ पर इसके अंदर ऐसा क्या पोटेंशियल है, ऐसी क्या चीज़ है एक्सिस बैंक के अंदर कि जो ये अपने लेवल पर खड़ा हुआ है? तो यहाँ पर देखें जब चीज़ें कुछ कहते नहीं कि जब कोई स्टॉक मार्केट के साथ गिरता है एक नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते तो समझा जा सकता है कि भाई गिर रहा है कोई बात नहीं पूरा मार्केट गिर रहा है, लेकिन जब कोई स्टॉक बैड फंडामेंटल्स होते हुए भी एक बियरिश मार्केट के अंदर खड़ा रहे तो हमें सोचना जरूर चाहिए। और अगर हम नहीं सोचते उस कंडीशन में आके तो हम अपने पैसे के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।
और कुछ ऐसा ही मुझे यस बैंक के अंदर प्रतीत हो रहा है। यस बैंक का जो मार्केट कैपिटल है 1,54,609 करोड़ का है। आप इंडस्ट्री पीई पे गौर कीजिएगा, 31.98 की इंडस्ट्री पीई है इसकी, ठीक है। जबकि अगर यस बैंक के हम करंट प्राइस पे जाएंगे 617, इसका जो ईपीएस है वो केवल 1.78 है। अर्निंग्स पर शेयर यस बैंक की केवल मात्र और मात्र 1.78 है। 382.32 इसका इंडस्ट्री पीई के अगेंस्ट स्टॉक का पी है, यानी कि इंडस्ट्री पीई जहां पर इसका केवल 38 का है, वही एक्सिस बैंक का जो स्टॉक का पीई है वो 382, यानी कि 10 टाइम्स हायर है स्टॉक का पी। तो आप समझ सकते हैं एक ऐसा स्टॉक जिसके वीक फंडामेंटल्स है, ईपीएस 1.78 है। और अगर निफ्टी 50 में आप देखेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 के इंडेक्स में लिस्टेड ये स्टॉक है, और अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें सबसे हाईएस्ट पीई अगर इस वक्त किसी की है तो वो किसी और स्टॉक की नहीं, एक्सिस बैंक, यानी कि सबसे हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक कोई है अगर निफ्टी 50 के अंदर, वो है एक्सिस बैंक। अब देखिए यहाँ पर हमने पीछे पूरे फंडामेंटल्स आपको दिखाए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या प्राइस हमारा यहाँ पर सस्टेन करेगा, क्या ये वर्थ है जिस स्टॉक की ईपीएस 1.78 है, इंडस्ट्री की पी जो है, इंडस्ट्री पी जो है उस स्टॉक की लगभग 38 की है, वो स्टॉक 380 के पी पर ट्रेड कर रहा है, यानी 10 टाइम्स हायर पी पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू जरूर इसकी 249 रुपीज़ की है। आप इसका आरओई देखिएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.69%, आरओसी देखिएगा 4.48। मैं आपको यस बैंक भी खोल के दिखाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पर क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सिस बैंक रिस्की है, क्योंकि मैं इस वक्त जो सबसे बुरी तरह से पिटा स्टॉक है बैंकिंग में उससे कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले जो सबसे स्टेबिलिटी के साथ खड़ा स्टॉक है वो, और जो सबसे बुरी तरह से पिट चुका स्टॉक है इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये देखिए यस बैंक के बारे में हम आते हैं, आज भी यस बैंक डाउन हुआ है, आई एग्री, बट स्टिल जितनी बुरी तरह से आज भी यस बैंक पिट रहा है, एक्सिस बैंक नहीं पिट रहा है। आखिर क्या कारण है, क्या चाहते हैं ऑपरेटर्स, क्या उनकी मंशा है, नोबडी नोज कहां तक जाएगा। मैं भी नहीं जानता यस बैंक कितना गिरने वाला है, अगर 200 रुपये टूटा तो 175 रुपये भी जा सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन क्या वो यस बैंक का बाइंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्या जो बड़े निवेशक हैं उनके पास पैसे की कमी है, जो कि वो निवेश करने के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करवाना चाहते हैं जिसमें कि उनको हायर प्राइस मिले और वहां से एग्जिट हो जाए और वो उस फंड को यस बैंक के अंदर लगा सके। लेट्स सी क्या होता है। यस बैंक का आरओसीई जो स्टॉक लगभग पीछे दिनों में 40% टूट चुका है, उसका आरओसी 7.42% है और आरओई 17.67%। और जो स्टॉक इस बियरिश मार्केट के अंदर बेट फंडामेंटल, जिसके 15,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रोविजंस हैं, जिसके 121 करोड़ का केवल उसका नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होता है, जबकि यस बैंक का प्रॉफिट इससे कहीं ज़्यादा और कहीं ऊपर डिक्लेयर होता है। अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, इसका नेट प्रॉफिट फार फार बेटर, आप एनालिसिस देख सकते हैं यस बैंक की। इसका जो मार्केट कैपिटल है दिस वन, एंड जो नेट प्रॉफिट है वो 1260 करोड़ रुपये है जून क्वार्टर का 1260 रुपये इसका नेट प्रॉफिट है। आप समझ लीजिएगा कि कितना हायर प्रॉफिट है यस बैंक का। वहीं पर अगर हम एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक में, जस्ट अ मोमेंट, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो प्रॉफिट्स है एक्सिस बैंक के, नेट प्रॉफिट्स मार्च 18 दिस वन 456 करोड़ रुपए के केवल नेट प्रॉफिट थे एक्सिस बैंक के। आप जबकि समझ सकते हैं यस बैंक के जो प्रॉफिट्स रहे थे वो कितने ज़बरदस्त रहे थे, ये रहे थे लगभग 4,500 करोड़ के। साथ ही एक्सिस बैंक के अगर क्वार्टरली प्रॉफिट आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं किए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। इनको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं कंसोलिडेटेड पे ये दिखा रहे हैं, बट स्टैंड अलोन पे कहीं ना कहीं भी जो इनके रिजल्ट्स हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल्स पे जाके देखेंगे कि एक्चुअल में जो स्टैंड अलोन बेसिस पर यस बैंक की इंडिविजुअल जो उनकी शाखा है उसने कितना प्रॉफिट डिक्लेयर किया। तो जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट दीजिए आप मुझे,
या क्वार्टरली नंबर्स पे हम लोग आते हैं। लेट्स सी, 701 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया इन्होंने इस बार जून क्वार्टर में, जो कि पिछले जून क्वार्टर के मुकाबले जस्ट हाफ है। यानी पिछली बार इनका 1305 करोड़ का प्रॉफिट था, जिससे कि जस्ट हाफ हो चुका है 700, यानी 50% डिक्लाइन हो चुका। आप देखिएगा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है कंपनी की, बैंक की, बट बैंक पिछले कुछ महीनों में ही अपने हायर प्राइस पे पहुंच चुका है। वहीं अगर मैं यस बैंक की बात करता हूं दोस्तों, तो यस बैंक भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि इस बार जो जून क्वार्टर में नंबर आए हैं वो किस तरह के हैं, और लास्ट ईयर जो जून क्वार्टर में नंबर थे वो किस तरह के। तो आपको कंपेयर मिल जाएगा कि कहाँ पर चीज़ें मैनुपलेट हो रही हैं, कहाँ पर चीज़ों को यू नो मोल्ड करके शो किया जा रहा है, ताकि जो छोटा रिटेल निवेशक है वो धोखा खाए, गलत स्टॉक में एंट्री करे और सही स्टॉक से निकल जाए। यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टरली नंबर्स में जो नेट प्रॉफिट की बात आती है, पिछली बार 965 करोड़ के प्रॉफिट थे यस बैंक के, और इस बार 1260 करोड़ के प्रॉफिट है। जबकि एक्सिस बैंक में जस्ट रिवर्स था, पिछली बार 1360 करोड़ के प्रॉफिट थे और इस बार केवल 701 करोड़ के प्रॉफिट, यानी 50% प्रॉफिट घट चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सिस बैंक के बारे में। सो ओवरऑल आप देखिएगा बहुत ही हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक है। अगर ईपीएस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट अभी ईपीएस देखिए, जैसे रिफ्लेक्शन आया यहाँ पर हमने देखा, जो इस वक्त ईपीएस है वो इसका माइनस में जा चुका है, माइनस में ईपीएस जा चुका है। स्टॉक की पी हट चुकी है, क्योंकि जब स्टॉक माइनस में चला जाता है तो डिवीजन नहीं हो सकता ईपीएस वर्सेस करंट प्राइस का। तो आप समझ सकते हैं कितना रिस्की शेयर बन चुका है एक्सिस बैंक। तो जिन लोगों का निवेश इस वक्त एक्सिस बैंक में है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग बहुत ध्यान से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, जो भी आप मैक्सिमम लॉस बेयर कर सकते हैं, और अगर वो हिट होता है तो आप लोग अपनी पोजीशन को कट करने के बारे में सोच सकते हैं। बट ये आपका अपना निर्णय होगा। मनी ट्री किसी भी तरह से आपको ना तो प्रेशराइज कर रहा है, ना ही आपके ऊपर किसी भी तरह का निर्णय थोप रहा है। हम केवल आपसे ये एक्सिस बैंक के बारे में, करंट वैल्यूएशन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सो गाइस, उम्मीद करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में आपकी राय भी कुछ हद तक बदलेगी, क्योंकि जो स्टॉक इतने बेयरिश मार्केट में भी स्टैंड कर रहा है, नहीं गिर रहा है, जबकि उसके फंडामेंटल्स डे बाई डे खराब होते चले जा रहे हैं, तो क्या कारण है कि हम एक्सिस बैंक के अंदर अपनी पोजीशन को बना के रखें। क्योंकि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं हो, जब तक कोई ठोस कारण नहीं हो, हमें अपने निवेश को किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं बना के रखना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि एक्सिस बैंक में कुछ ठोस वजह हैं, कुछ ऐसा हिडन है जो कि शायद जनरल पब्लिक को नहीं पता, तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई ठोस वजह नज़र नहीं आती है और खराब फंडामेंटल के चलते हुए भी स्टॉक बेयरिश मार्केट में स्टैंड कर रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ झोल नज़र आता है स्टॉक में, और इसीलिए मैंने इस स्टॉक को मोस्ट डेंजरस बैंक की कैटेगरी में डाला है। सो दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो था, जहाँ पर हमने मोस्ट डेंजरस बैंक यानी कि एक्सिस बैंक के बारे में बात की। एक्सिस बैंक की जो नई MD है वो शिखा शर्मा है। वी डोंट नो कि कहाँ तक एक्सिस बैंक रिकवर करेगा आने वाले समय में। हो सकता है आने वाले जो क्वार्टरली नंबर्स हैं, जो कि 2nd of November को, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बड़े ब्लास्ट कर देंगे। सो वी डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ एज पर करंट सिनेरियो मुझे एक्सिस बैंक डेंजरस बैंक की कैटेगरी में लगता है, और निवेश भी इस वक्त जो प्राइस है बहुत ही हाईली ओवर वैल्यूड मुझे नज़र आता है। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ इनपुट्स हों तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ सजेशंस हो वो भी शेयर कीजिए, मोस्ट वेलकम आपका। लेकिन अपने पैसे को जो भी अगर लोगों ने निवेश किया एक्सिस बैंक में, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, जो भी आप मैक्सिमम लॉस बियर कर सकते हैं उस लेवल पर। सो अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि कहाँ पर आपका निवेश सुरक्षित है और कहाँ पर आपका निवेश सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में खड़ा हुआ है। तो देखते रहिए दोस्तों हमारा चैनल मनी ट्री, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप लोग बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक इमीडिएट पहुंच जाएंगे, और आप समय रहते अपने स्टॉक के बारे में जान पाएंगे और उनमें एंट्री या एग्जिट का डिसीजन भी ले पाएंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।